ऊपर में जाओ। चल चल चल। ए, रुक जा। ए। ए, ऊपर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अरे बाप रे, हे भगवान। अबे पागल है क्या? गाड़ी चलाना भी नहीं आता? अरे लगता है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। हाँ देखो देखो, चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। लगी तो नहीं ज्यादा, देखते हैं। ओह एक मिनट हटना जरा। ओह माय गॉड, कौन है ये? पता नहीं, वो दौड़ते हुए इस बिल्डिंग के टेरेस पे गया और कूद पड़ा। सीआईडी को फोन करता हूं। हेलो सीआईडी सर, चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, कैसा दिखता है ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल टूट फूट गया है। एक तो इतनी ऊंचाई से गिरा है, ऊपर से ट्रक ने भी राउंड दिया इसे। पता नहीं सालों के साहब इसका चेहरा बना पाएंगे या। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर जाते हुए देखा था? हाँ सर, हमने उसको नीचे से बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो उतने में टेरेस पे से नीचे गिर गया। हम भागकर बाहर आए, तब तक वो ट्रक इसे कुचलकर जा चुका था। कोई पहचानता है इसको? पहले कभी नहीं देखा सर। ट्रक का नंबर वंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देख पाए। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मैं भी उससे बाल बाल बचा। लेकिन सर उस ट्रक का रंग जरूर जानता हूँ, उस ट्रक का रंग लाल था। लाल था? किस तरफ गया था? सर इस तरफ। सर एक्सक्यूज मी, ये देखिए सर, गेट के पास ईंट के टुकड़े मिले हैं, और ये देखिए ट्रक के टायर का निशान। ऐसा लग रहा है कि ट्रक ने काफी तेजी से टर्न मारा और उसी चक्कर में ये ईंटें गिर गई। विजिटिंग कार्ड अक्षत, ओनर फर्निश हाउस। D.M. AMD, AMD ब्रांड की ईंटें हैं। हाँ सर। इसके ऑफिस से पता करो, ट्रक के बारे में पता चल जाएगा। सर, मरने वाले की जेब से ये विजिटिंग कार्ड मिला है, अक्षत के नाम का। अक्षत फर्निश हाउस। इस ऑफिस से पता चल जाएगा इस अक्षत के बारे में। सर, अक्षत के बारे में पता चला है कि उसका फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है, और उसकी पत्नी शाइना भी बिजनेस संभालने में उसकी मदद करती है। देखते हैं। एक्सक्यूज मी जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आप लोग की? हमें शाइना जी से मिलना है। मैडम तो जरूरी मीटिंग में बिजी है, आप लोग वेट कीजिए। हमारा मिलना भी जरूरी है उनसे। ठीक है सर, मैं फोन करती हूँ उनको। क्या बोलना है उनको? बोलना सीआईडी मिलने आई है उन्हें। सीआईडी? एक मिनट। सर वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है कैबिन उनकी? सर राइट साइड में फर्स्ट कैबिन। ठीक है, थैंक यू, हम मिल लेंगे। सर ना ही कोई लोग हैं और ना ही कोई मीटिंग, शाइना भी नहीं है। वही तो। जयंती देखो जरा वॉशरूम। यस।
सर वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, किसने किया ये? दो लोग थे सर, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं, मुझे बात कर बाथरूम की खिड़की से मार गए। कुछ कहा उन्होंने? किस लिए आए थे वो? रिसेप्शन पे कहा था कि कैटलॉग दिखाने, लेकिन कैबिन में आते ही पैसे मांगने लगे, मुझे धमकियां दे रहे थे। पैसे मांगने लगे? किस बात के पैसे? पता नहीं सर, कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ सर, और कुछ दिन से मेरे पति अक्षत को भी इस तरह के धमकी वाले कॉल आ रहे हैं, कहते हैं कि पैसे दे दो ये तो जान से मार देंगे। तो ये बात तुमने पुलिस में रिपोर्ट की थी? सर हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखो शायना, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। तुम्हारे पति अक्षत की मौत हो चुकी है। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। अक्षत, मेरे अक्षत मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, संभालिए आप। भगवान, शांत हो जाइए। ये नहीं, 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 उन्होंने मेरे अक्षत को, वो मुझे भी मार डालेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। शायना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब उन दो लोगों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ये लो। पानी पीजिए। जयंती सर, पशुपन को लेकर आओ। वो जो दो लोग शाइना जी से मिलने आए थे, दिखने में कैसे थे? सर एक आदमी था और एक औरत, देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। मतलब? उस औरत के छोटे बाल थे और वो बड़े बड़े चश्मे पहन रखी थी, और उस आदमी के बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ थे, और हाँ उन्होंने एक कैप भी लगा रखा था। सर ये जिस तरीके से बता रही है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी नाटक कंपनी से आए थे। अपने चेहरे छुपा रहे थे शाइना से पैसे निकलवाने के लिए। सर आइए। और देखो, आज 11 बजे एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी कैप पहना हुआ और छोटे बाल वाली चश्मा पहने हुए एक औरत, ऐसे दो लोग यहाँ ऑफिस में आए थे। क्या तुमने देखा उन्हें? हाँ सर, एक हरे रंग की कैप से आए थे वो। कैप का नंबर लिया? हाँ सर, रजिस्टर में लिखा हुआ सर। क्या नाम थे उन दोनों के? नाम कुछ बड़ा अजीब सा था उनका। औरत का नाम मैना रानी और आदमी का तोता राजा। लेकिन मुझे तो उन लोगों ने कुछ और ही बताया था। मैना रानी और तोता राजा, चेहरे की तरह नाम भी गलत। गाड़ी का नंबर ले लो, उस गाड़ी के ड्राइवर को ब्यूरो में लेकर आओ। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था क्या? हैं? जब पता लिख के दिया था फिर भी तुमने माल कहीं और पहुंचा दिया। साहब मैं वहां गया था लेकिन उनका गेट बंद था, तभी मुझे किसी का फोन आया कि उनको भी ईंट चाहिए। इसलिए तुमने माल कहीं और भेज दिया? अरे मन तो करता है एक ईंट से अपना सर फोड़ लूं और दूसरी ईंट से तेरा। सर ईंट लाऊं क्या? चल भाग यहां से। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? माफ कीजिएगा सर। सर क्या बात है आप लोग यहाँ? हाँ, तुम्हारे एक ट्रक के बारे में पता करने हैं। कौन सा ट्रक? लाल रंग का ट्रक जो कल रात एनी रोड पे गया था। हाँ सर है, पर हुआ क्या? उस ट्रक के ड्राइवर ने एक आदमी को कुचल के मार दिया और हमें शक है कि ड्राइवर ने जानबूझ के उसे मारा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रघु ने किसी की जान ले ली? रघु कहा? रघु बुलाओ उसे। सर अभी वो एक साइट पर ईट पहुंचाने जेपी रोड गया है। जेपी रोड पे कहा? किसी रंजन कुमार का घर बन रहा है। कितनी देर पहले निकला हुआ यहाँ से? अभी 10 मिनट पहले निकला है वो। उसका ट्रक का नंबर बताओ। XZ02
WZ 1254। और रघु का नंबर भी दो। 11-333-456-888। पूर्वी, इस नंबर को ट्रैक करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तुमने ही अपने कैब में एक आदमी और एक औरत को अक्षित के ऑफिस के वहां पर छोड़ा था ना? जी सर। कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? सर, वो दोनों दिखने में बड़े अजीब थे। अजीब दिखते थे? रघु के फोन का सिग्नल 1 किलोमीटर के एरिया में था। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जेपी रोड शुरू होता है और उसे डिलीवरी भी यहीं कहीं दे रही है ना? सर, फोन का सिग्नल मिलना बंद हो गया है। क्या, कहाँ चला गया? सर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये रास्ता तो बंद है। एक काम करो, पीछे यूटर्न लो ना और यहाँ ताई ओर से निकालो गाड़ी, जल्दी। और बताओ। सब ऐसे पैसेंजर मैंने अपनी कैब में पहली बार बिठाए थे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो दोनों बड़े अजीब थे, किसी कोड भाषा में बात कर रहे थे। कैसी कोड भाषा? बड़ी अजीब सी भाषा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज में कुछ बोल रहे थे क्या? पता नहीं सर, एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे यहाँ वहाँ रुकने को कहते थे और हर दुकान पे रुकते हुए गए थे। अच्छा, कहाँ से उठाया था तुमने उन दोनों को? अंधेरी से। और आखिरी बार कहाँ छोड़ा? बेंड्रा हाईवे के पास एक सुनसान जगह पे। मतलब वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई दुकान थी, ना कोई मकान था, कुछ भी नहीं था सर। मैंने उनसे कहा भी, यहाँ क्यों उतर रहे हो? बोले अपने काम से काम रखो बस। सर, ये भी अजीब है, वो सुनसान जगह पर क्यों उतरे? अजीब अजीब कुछ नहीं पंकज, लगता है वो दोनों वहीं कहीं छुप कर बैठे हैं, वहीं सुनसान जगह पर। ओह नो, ये कैसे हो गया? लगता पेड़ से टकराने से आग लगी। एक काम करो, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। पूरा झुलस चुका है, अगर आग बुझी नहीं होती तो पूरा जल गया होता। इसे सर के पीछे चोट लगी है। अगर ये ट्रक पेड़ से आके टकराई है तो उसका सर यहाँ स्टेयरिंग में टकराया होगा, उसके चेहरे पे ये या सामने के हिस्से पे चोट लगी थी। ये सर के पीछे कैसे चोट लगी? ऐसा लगता है किसी ने पीछे से जोर से वार किया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। कोई चलती ट्रक में आके इसे कैसे मार सकता? सर, कोई ना कोई तो जरूर है। चोट लगने की वजह से इसने दम तोड़ दिया और ये ट्रक आकर पेड़ से टकरा गया। यहीं पे उतारा था साहब। यहीं पे उतारा था? जी सर। सर, यहाँ तो सचमुच कुछ भी नहीं है। हाँ मैडम, इसी बात से मैं भी हैरान रह गया। तो फिर यहाँ से कहाँ चले गए वो दोनों? यहीं पे कहीं छुप कर बैठे वो, पर कहाँ देखते हैं। तुम जाओ। थैंक यू।
पूर्वी कैबिन को अच्छे तरह से चेक कर लो। अगर रघु के अलावा कोई और भी था इस ट्रक में तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर देखो ये ट्रक पेड़ से आके टकराई, इसमें आग लग गई और ट्रक को एक बस ये मामूली सा खरोच आया, कैसे हो सकता है? यहाँ दूर दूर तक कहीं भी टायर घिसटने का निशान भी नहीं है। अगर ये रघु एक्सीडेंट से पहले ही मर गया था तो ऑब्वियसली वो ब्रेक तो नहीं मार सकता था, और अगर ट्रक में ब्रेक नहीं मारा गया है तो ये जो नुकसान हुआ ये तो कुछ भी नहीं, मेजर इंपैक्ट होना चाहिए था। मामला कुछ और ही लगता है। केरोसिन किस पे ला दी सर? नीचे केरोसिन गिरा हुआ है चारों तरफ। केरोसिन? मतलब ट्रक में आग एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी है, किसी ने केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश की है। हाँ सर, किसी ने रघु को पहले मारा और फिर इस सारे हादसे को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। सर कैबिन में स्वाइप कार्ड मिला है, सीट के नीचे पड़ा था। स्वाइप कार्ड? ओह, इसका बारकोड जला नहीं है ठीक से। पता करो ये स्वाइप कार्ड कहाँ का है, किसी ऑफिस या होटल का हो सकता है, जरूर इसे कुछ ना कुछ पता चलेगा। पर हुआ क्या है, सारे घरों की लाइटें बंद क्यों है? सबको लगा होगा हम लोग आ गए इसीलिए सब भाग गए। चुप रहो, अपने आप को समझते क्या हो? निसरे गमा गारे सारे गानियारे गारे जा जाके पूछो उससे। गमा गारे निसरे गमा गारे सारे। अरे सुनो क्या बात है भाई? अरे किसने हमको रोका, हम तो गाना गा रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। अरे भाई क्यों गाने की टांग तोड़ रहे हो? गाने की टांग तोड़ रहा हूँ मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर मैं तुमको सुनाता तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते। अरे मैं हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन दुनिया वालों ने मुझे हीरो नहीं बनने दिया, मुझे सिंगर बना दिया, और तुम कहते हो मैं गाने की टांग तोड़ रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। सिंगर बाबू एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सिंगर बाबू एक सेकंड, ये बताओ इस बस्ती के सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है? अबे सर्किट समझा इसको, बीच में टांगा रहने के नहीं वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। मगा रे सा निसरे गमा। चुप, हम लोग सीआईडी से है और ऐसे गाना गाएंगे कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। सीआईडी से? आईसी आईडी सारे उतर गए। चुप करो और जो पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ, ये सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है, कहाँ गए सब लोग? अरे मैडम वो क्या है कि चाल के पीछे नाचने गाने का प्रोग्राम हो रहा है, वो क्या कहते हैं लावणी, तो सभी लोग वहां गए। और क्या, चलो वहीं पर होंगे वो।
भाई और बहनों और यहाँ इकट्ठे हुए सारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ी दावत देना चाहता हूं। मैं खाना खिला रहा हूं। मैं देखिए, आज मैं इतना खुश हूं क्यों? क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा। इसलिए आज हम सब मस्ती करेंगे। क्या बॉस, मेरे पैसे कहां से आए अचानक से? कितना खर्च कर रहे हो तुम? उस बिजनेसमैन अक्षित को जानती हो ना? नाम सुना है ना उसका? कौन? वो बेचारा जो कल मर गया? वही जो कल मरा, वो बिजनेसमैन अक्षित नाम है उसका। हाँ हाँ। उसने पता है मेरे पास 50 करोड़ रुपए दिए थे। क्या बात कर रहे हो? 50 करोड़ रुपए रखने के लिए। अब वो मर गया तो 50 करोड़ रुपए से अमीर मैं बन गया। आप तो बड़े लकी हो बॉस। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, इसीलिए तो पूरे शहर को पार्टी दे रहा हूँ। बॉस, इतने पैसों का आप करोगे क्या? हाँ बॉस, 50 करोड़ रुपए गिनते गिनते हाथ दुखने लगेंगे। कुछ हाथ नहीं दुखेंगे, अरे ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम सबको 2-2 करोड़ दे दूंगा। 2 करोड़? बहुत साहब महान है, हमारी आंखों में तो आंसू आ गए। सच्ची वो आप अक्षित को कैसे जानते हैं? और इतना पैसा उसने दे कैसे दिया तुम लोगों को? इतने पैसे उसने दे कैसे दिए, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? क्योंकि वो पैसा हमारा है। और वो पैसा आप लोगों का कैसे? ज्यादा बकवास मत करो, ये बताओ कि पैसा कहाँ है। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करना, पैसा बता दे, पैसा कहाँ पर है? इसके लिए आपको हमारे साथ CID ब्यूरो चलना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। बाला भाग, पकड़ो उसे। तुम दोनों वो बेरुपिया हो जिन्होंने अक्षित को मारा और उसके बीवी को मारने की कोशिश की। हा? नहीं सर, हमने कोई खून नहीं किया सर। हाँ सर, हम तो बस छोटे मोटे चोर हैं। कौन से पैसे, किस तरह के पैसे मांगते थे तुम शाइना से? सर, मैं अक्षित और कोयना मिलके चोरी करते थे सर। क्या अक्षित चोर था? हाँ, हम 6 महीने पहले अल्ट्रा बैंक लूटा था सर। अब निहाना बंद करो, अगर गार उठ गया ना हम तीनों फंस जाएंगे। चोरी भी करते और डरती भी हो। देख अक्षित, जल्दी काम कर। चुप कर कोयना,
नहीं तो तेरी आवाज सुनकर गार्ड आ जाएंगे। ये 1.5 इंच मोटी स्टील का हैवी ड्यूटी लॉकर है, वो भी 3-पॉइंट लॉकिंग सिस्टम के साथ। मतलब कि इसे पूरी तरह खोलने के लिए इसे 3 बार खोलना पड़ेगा। अक्षित, क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो गया तुझे? हाँ, कौन हूँ मैं? तुम लोग कौन हो? कहाँ पे आ गया मैं? लगता है इसे एमनेसिया का झटका पड़ा है। कहीं तुम लोग छोड़ तो नहीं हो? मैं जा रहा हूँ पुलिस को बताने। ओए हीरो, रुक, क्यों मारने और मरने पे तुला हुआ है? ले दवा खा। ये जब ज्यादा सीरियस होता है तो इसके साथ ऐसा ही होता है। इसको होश तो आ जाएगा ना? हाँ, दवा तो दे दी है। लो, आ गया होश में। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हैं, घर बसाने नहीं आए? चलो काम करो। ए, खुद तो शहर पे चला गया था, चिल्ला हम पे रहा है? मैं गया था शहर पे। झटका आया था तुझे एमनेसिया का? चलो। अक्षित और तुम दोनों ने मिलकर अल्ट्रा बैंक लूटी थी। लूट के बाद हमने वो पैसा एक जगह छुपा दिया और 6 महीने बाद मिलके उसको बांटने का प्लान बनाया था। 6 महीने बाद जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे पैसे नहीं थे और अक्षित भी नहीं। और हमको अचानक से पता चला कि अक्षित एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। हम समझ गए कि उसने हमको धोखा दिया और सारा पैसा हड़प लिया। और इसलिए तुम अक्षित को धमकी भरे फोन कर रहे थे पैसों के लिए, है ना? नहीं सर, पहले हम उसे मिले पर वो हमें पहचाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि उसे कोई पैसा से याद नहीं है। हम जानते थे कि उसको भूलने की बीमारी है, मगर इतनी भी नहीं कि वो हमको ना पहचाने। वो पैसे दबाने के लिए भूलने का नाटक कर रहा था। फिर हम उसे फोन पे धमकी देने लगे, वो घबरा गया और कल शाम में उस बिल्डिंग के पास बुलाया, लेकिन उसने हमारे ऊपर गन तान दी। पर हम दोनों ने उससे गन झपट ली और वो डर के मारे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भागने लगा। अक्षित, हमारी बात सुनो। अक्षित, सुनो तो सही। वहीं रुक जाओ। अक्षित, सुनो तो सही। नहीं अक्षित, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बस हमारा पैसा दे दो। पैसा? हाँ पैसे। मुझे किसी पैसे के बारे में नहीं मालूम। देखो अक्षित, अक्षित सच सच बता दो, हमारे पैसे कहाँ हैं? सर, हमने अक्षित को नहीं मारा, वो डर गया और डर के बिल्डिंग के टेरेस पे भागने लगे और वहां से गिर गया। शायना को भी तो मारने की कोशिश की तुम दोनों ने। नहीं, हम जानते थे कि अक्षित के बाद शायना से ही हमें पैसे मिल सकता है। हम उससे भी अपना पैसा ही मांगने गए थे, मगर वो ज्यादा ही होशियारी दिखाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और इसलिए हमने उसका मुंह बंद कर दिया। सर, हमें उसे मारना नहीं था, अगर मारना था तो हम उसे मार सकते थे, हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। सर सर, अगर इन दोनों ने अक्षित को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा होगा? ये कोई और ही है।
कोई और जो इन दोनों को फंसाना चाहता है। ज्यादा दिन नहीं छुप सकता हमसे, बहुत जल्दी हमारे शिकंजे में आ जाएगा। देखा तारीखा, ये तो कुछ और ही खेल है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है सर। वैसी चौंकाने वाली बात सुन के बस, ऐसी बात है जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कौन सी नई बात है सालूंगे साहब, आप तो हमेशा चौंका दे रहते, आज भी चौंका दीजिए। पहले ये बताओ, ये फॉरेंसिक लैब में आप लोग किसकी लाश लेकर के आए? किसकी लाश का क्या मतलब है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाश आखिर है किसकी? अक्षित की लाश। यही इस कहानी का पेच है बॉस। क्या कहानी में पेच भी है? जी हाँ, बहुत बड़ा पेच है। और वो ये कि जिस लाश को आप अक्षित की लाश समझ करके ले आए हैं, वो दरअसल अक्षित नहीं, कोई और है। सारुखे, अक्षित बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के मर गया और उसे ट्रक ने कुचल भी दिया, बस उसी की लाश को हम यहाँ लेकर आए। बॉस, हमने अक्षित की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक की। अक्षित की हाइट थी 5 फीट 10 इंच और ये इस लाश की हाइट है 5 फीट 8 इंच। और दूसरी बात ये कि इस आदमी को मरे हुए करीब 32 घंटे हो चुके हैं। समझे आप, पूरा एक दिन और 8 घंटे। सर ये कैसे हो सकता है, अक्षित की मौत तो कल रात हुई थी। हाँ पंकज, इसका मतलब ये आदमी अक्षित से बहुत पहले मर चुका था। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, आइए। ये देखो बस, ये इस आदमी का पूरे शरीर का स्कैन है। और ये देखो, गौर से देखो, इसकी कार्टिलेजेस इसकी हड्डियों से अलग होने लगी है। और ऐसा तभी होता है जब इंसान को मरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं। और ये आदमी गिरने से पहले ही मर चुका था, पूरे एक दिन 8 घंटे पहले। पर कोई इसे पहचान न सके, इसलिए जिसने भी ये किया इसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचल दिया। इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया कि इसके चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन भी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सालू के साथ अक्षित के दोनों दोस्त बाला और कोयना उसके साथ थे और उन्होंने उसे नीचे गिरते हुए भी देखा था। और सर, उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी अक्षित को गिरते हुए देखा था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षित की लाश बीच हवा में गायब कहां हो गई। सर ये तो जादू हो गया, टेरेस से गिरा अक्षित पर जमीन पर बदल कर किसी और की लाश गिर गई। ये कोई जादू नहीं पंकज, सोची समझी साजिश है ये, सोची समझी साजिश। बोलो, ट्रक में से मिला वो स्वैप कार्ड, उसकी डिटेल मिल गए? कार्ड किसका है पता चल गया? गुड। सर, ट्रक से मिला स्वाइप कार्ड जिस आदमी का है और रूम नंबर 301 में। 301? ये रहा 301। सर ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? देखते हैं। सर रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि कस्टमर अंदर ही है। इशिता काम करो, होटल के किसी स्टाफ को बुलवाओ, दरवाजा खुलवाते हैं। यस सर। सर हो सकता है इस सबके पीछे इस आदमी का हाथ हो। हाँ सर, ये जरूर गुनाह में शामिल हो गई, वरना इसका स्वाइप कार्ड ट्रक में कैसे मिलता? सर लगता है रिसेप्शनिस्ट ने झूठ बोला है।
कमरा ढूंढो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, पता तो चले। देखो इसका मतलब सावन के सर सही कह रहे थे, वो मरा हुआ आदमी कोई और ही था। ए, भारा, भारा। बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, खुद को मारने का नाटक अब खत्म हो गया। भारा, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे अंकल, मैं तो बस लुका छुपी खेल रहा था। किसके साथ है? आप भी मेरे साथ खेलने आए ना, चलिए अब आप लोग छुप जाइए और मैं आप लोग को ढूंढूंगा। मैं दस तक गिनता हूँ, छुप जी 1 2 3 बस हो गया तुम्हारा नाटक, बाहर निकलो। बार बार मुझे डांट क्यों रहे, मुझे नहीं खेलना आप लोगों के साथ, आप लोग जाइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जाइए यहाँ से, मैं नहीं करूंगा। अक्षित सर, इसके दोनों चोर दोस्तों ने बताया था ना कि इसे भूलने की बीमारी है। अक्षित बाहर आओ, अक्षित अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बाहर आओ अक्षित। कौन है आप लोग, अरे क्या बदतमीजी है, बिना पूछे रूम के अंदर कैसे चले आए? तो ठीक हो गए तुम क्या? अरे हैं कौन आप लोग और क्या मतलब ठीक हो गए से आपका? हम लोग CID से हैं। अरे क्या नाटक है तुम्हारा, हा? यहां छुप कर क्यों बैठे हो, क्यों मारा तुमने रघु को? अरे तुम्हारे मरने का क्या नाटक है, बताओ जल्दी। अंकल आंटी ने कहा था मुझे कि यही छुप के बैठे रहना, बाहर नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। आंटी कौन आंटी, कौन आंटी? आप लोग प्लीज जाइए यहां से, मेरी आंटी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगी। सर लगता है ये फिर से सब कुछ भूल गया। कौन आंटी, किसकी आंटी? अंकल आपकी आंटी नहीं है, मेरी आंटी है। सर ये नाटक कर रहा बचने के लिए, देखते हैं क्या नाटक है इसका और कौन आंटी है ये। अक्षित प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। अक्षित नहीं, प्लीज अक्षित नहीं। CID सर देखिए मेरा अक्षित बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अक्षित नहीं है ये, अक्षित का पुतला है। अक्षित की आंटी, यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? प्लानिंग? आंटी कैसी प्लानिंग? दुनिया के सामने अक्षित को मरा साबित करने की प्लानिंग, जबकि सच तो ये है कि अक्षित जिंदा है। इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि तुम भी देखो कि क्या हुआ था उस दिन, गिरा अक्षित, मरा पड़ा था कोई और। क्यों हुआ? कुछ ऐसा था कि अक्षित भागता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर आया। ये तुम्हारी प्लानिंग थी, तुमने कहा उसे यहाँ भाग के आने के लिए, तुमने इसे यहाँ से कूदने को भी कहा। अक्षित अमनीजिया का मरीज था और वो तुम्हारी बात को मानकर नीचे कूद भी गया। ठीक नीचे रोड पर ट्रक जा रहा था, ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुका, अक्षित टेरेस से कूद कर ट्रक में गिरा। शाना ने बिल्कुल अक्षित की तरह कपड़े पहने हुए आदमी की लाश रखी थी, शाना ने लाश को ट्रक से नीचे फेंक दिया और जिंदा हालत में अक्षित को लेकर वहां से निकल गए। क्यों
यही हुआ था ना शायना जी? हाँ सर। क्यों किया था तुमने ये सब? सर, मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत थी। और तुम्हें पता था कि अक्षित के पास बैंक से लूटे हुए पैसे हैं? हाँ सर, मैं और अक्षित एक दूसरे से प्यार करते थे। अक्षित ने मुझे सब कुछ बताया था। मुझे यहाँ तक पता था कि अक्षित को अमनीजिया की बीमारी है और इसी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने। मैंने उससे शादी कर ली, उसका ब्रेन वॉश किया ताकि उसके पैसे अपने पापा को दे सकूं। और तुम्हें अच्छे से पता था कि भूलने की बीमारी की वजह से इस अक्षित को कुछ याद नहीं रहेगा? मुझे पता था सर, और अक्षित को कुछ याद ना आए इसके लिए मैं उसे गलत दवाइयां भी देती थी। तुमने अक्षित की मौत का झूठा नाटक रचा। बाला और कोयना को यकीन दिला दिया कि इसकी मौत हो चुकी है और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, क्यों? सर, मुझे लगा था कि अक्षित को मरा हुआ जानकर वो मुझसे पैसे मांगना बंद कर देंगे। और इस अक्षित को तुमने होटल के कमरे में बंद करके रखा ताकि ये दुनिया के सामने ना सके, क्यों? है ना? हाँ सर, सारी दौलत अक्षित के ही नाम पर थी, इसलिए मैं उसे कमरे में बंद कर उसकी दौलत का इस्तेमाल करना चाहती थी। अपने फायदे के लिए तुमने एक बीमार आदमी का इस्तेमाल किया, कानून से इसके गुनाह को छुपाया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।